बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना शो, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन जी। तो सितारा का स्टार प्लस का ड्रामा कौन कौन देख रहे हैं? सभी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में ये ड्रामा जो है ना देखा जा रहा है। इंडिया के लोग तो सितारा के पीछे पागल हो गए हैं। तो प्लीज़ इंडिया वालों से, बहुत सारे यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं कि इंडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि जे इसको अपने साथ ले जाएं। इंडिया के लोगों ने स्टार प्लस ड्रामा देखना छोड़ दिया है क्योंकि अब वो सितारा का स्टार प्लस ड्रामा देखते हैं, मतलब पाकिस्तान का स्टार प्लस देखते हैं। अच्छा, जो सितारा के चैनल बैन होने की बातें हो रही हैं उसकी डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। चैनल तो बैन होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। सितारा रात को इंस्टा पर लाइव आई थी, तो उनका चैनल क्यों बैन हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये कि उन्होंने 14 अगस्त की कोई वीडियो थी वो लगाई थी, उस पर उनको स्ट्राइक आ गई। जो सॉन्ग के ऑनर से, जो सॉन्ग के ऑनर से उन्होंने स्ट्राइक दी है, और ये कोई पाकिस्तान से नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री से हैं। तो इसलिए जो है इनका चैनल बंद होने जा रहा है, क्योंकि अगर एक चैनल पर जो है ना 3 से ज़्यादा स्ट्राइक आ जाएँ तो जो है ना चैनल को, यूट्यूब वाले जो है चैनल को हटा देते हैं। और जो आप, या तो आप वीडियो पे अपलोड नहीं कर सकते, आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है ना कम्युनिटी पर पोस्ट जो है ना वो आप सिर्फ लगा सकते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये स्टार प्लस है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनके स्टार प्लस के ड्रामे में मरा हुआ बंदा जिंदा हो सकता है, आसमान से भी नीचे गिर सकता है, नीचे से आसमान पर भी जा सकता है, और ये अपने ड्रामे में जो है ना कुछ भी करवा सकती हैं। सॉरी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, ये जो है कुछ भी करवा सकती हैं, इंसान की शक्ल भी चेंज हो सकती है। सितारा स्टार प्लस और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहुत से लोगों को इन्होंने जो है पूरा साल जो है इमोशनल करके रुलाया है बेचारों को। तो कहीं हद तक जो है ना मैं अपने ओपिनियन से कह रही हूँ कि चैनल बंद होने का जो है ना ये ड्रामा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लोगों की संपत्ति हासिल करने के लिए वो रात जैसे आई हैं रोई हैं, तो इस तरह वो लोगों की जो है ना संपत्ति हासिल करेंगे। और कोई इन्होंने लाइव पर आकर रोई हैं और लोगों को भी इतना रुलाया कि हद कर दिया। ड्रामा रचाया जा रहा है क्योंकि इतने झूठ बोले जा चुके हैं, इतने झूठ बोले जा चुके हैं ना, कि लोग जो है ना अब इन पर यकीन कुछ कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ना उन्होंने इन पर यकीन करना जो है ना वो छोड़ दिया है। क्योंकि स्टार प्लस ड्रामा है तो यहाँ जो कुछ भी हो सकता है। तो एक यूट्यूबर थे, वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि बिग बॉस पे जो है ना बिग बॉस वालों के साथ इनकी हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि बिग बॉस वालों को चाहिए कि इसको अपने पास बुला लें और इसे बिग बॉस में कहीं भी जगह दे दें, और जो है ना वहाँ के एक्टर्स के साथ इसकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि इसने जो ड्रामे किए हुए हैं ना वो सब जो है ना बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस हैं, फिल्म स्टार हैं, वो सब कर चुके हैं। तो ये जो है ना उनकी को देखकर उन्हीं की शागिर्दी जो है बन चुकी है। इतने झूठ बोले, वो क्या कहते हैं, आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि वो चढ़ावे की कहानी थी, कि वो जो है ना उसने शेर आ गया का तमाशा लगाया था, पहले दिन लोग आ गए, फिर लेकिन कोई भी शेर नहीं आया था, फिर दूसरे दिन भी उसने इसी तरह किया, फिर भी कोई शेर नहीं था, लोग भाग गया, तीसरे दिन भी उसने इसी तरह किया, जिसके बाद जब उसने लोगों को पुकारा कि शेर आ गया तो लोग ना उसकी मदद के लिए नहीं गए थे, क्योंकि लोगों ने कहा कि 3 दफ़ा ऐसा हो गया कि इसने हमें आवाज़ दी लेकिन शेर नहीं आया, तो अब भी नहीं आया होगा। तो जब लोगों ने जाकर देखा तो लोग उसकी मदद के लिए नहीं गए, जब वो बाद में गए तो जाहिर बात है शेर उसको चीर पाकर खा चुका था। तो उन लोगों को अफसोस हुआ कि काश हम चले जाते। तो इसी तरह ये झूठ है, देखिए अगर आप एक दफ़ा झूठ बोलेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, दूसरी दफ़ा बोलेंगे तो नहीं यकीन करेंगे, तीसरी दफ़ा नहीं यकीन करेंगे, फिर वो पीछे साइड पर हट जाएंगे, ठीक है। पहली दफ़ा की बात पर यकीन कर लेंगे, दूसरी दफ़ा कर लेंगे, तीसरी दफ़ा, चौथी बार दफ़ा पर जब झूठ बोलेंगे तो वो यकीन नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम देखें यूट्यूब पर नहीं लगने चाहिए थे, ठीक है। यूट्यूब एक इंटरटेन करने के लिए, यहाँ पर बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, हर तरह के यहाँ पर जो है ना एज के लोग देखते हैं। तो यूट्यूब पर आकर इस तरह के ड्रामे क्रिएट करना, हम अपनी न्यू जनरेशन को क्या चीज़ सिखा रहे हैं,
ठीक है। और देखिए जो इल्ज़ाम थे वो भी नहीं लगने चाहिए, तो सितारा ने आकर इन इल्ज़ाम का कोई जवाब भी नहीं दिया, अपने आप को क्लियर भी नहीं किया। और जो है ना क्लियर करना चाहिए था सितारा, अगर सच्ची थी तो सितारा को क्लियर करना चाहिए था कि इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सितारा ने अपने आप को क्लियर नहीं किया। और जो है ना जो डिप्रेशन का जो ड्रामा रचाया जा रहा है ये सारा कुछ किया। और डिप्रेशन दे आप लोग ये देख लें कि अभी उनके ही भाई की एक वीडियो थी, उनके ही भाई की वीडियो थी जिस पर मैंने खुद देखा है, मैंने खुद वो वीडियो देखी कि उनके भाई ने कहा है कि मेरी सितारा और सितारा के हस्बैंड साजिद से बात हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए व्लॉग नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ही देर के बाद वो वीडियो डिलीट हो जाती है और उसी भाई की वीडियो दोबारा अपलोड होती है, और उसमें वो कहता है कि सॉरी मतलब मैंने पहले आपसे झूठ बोला, हुआ ये था कि लोगों के पास मेरे पास वो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, और मैंने लोगों को कि वो लोग परेशान ना हो सितारा के लिए, तो मैंने आप लोगों से झूठ बोला कि सितारा जो है शिफ्टिंग कर रही है, सितारा बिजी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सब दुआ करें, सितारा की तबीयत बहुत ख़राब है। मतलब कि सितारा ने कितना प्रेशराइज़ किया अपने भाई को कि उसने वो वीडियो डिलीट की, और उसके बाद उसने आकर ये सब कुछ किया। उसके बाद फिर उनके सारे ख़ानदान वालों की वीडियो आ रही है कि जी सितारा के लिए दुआ करें। सितारा इंस्टा पर लाइव आई, लाइव आकर जो है उन्होंने जो सारा कुछ किया, उन्होंने एक बैंड पहना हुआ था, वो बैंड उतार कर जी लोगों को दिखाया, वो आईब्रोज में जो है किसी ने पिक लगाई हुई थी उन्हीं की, सितारा की, किसी यूट्यूबर ने, कि बहुत जूम करके लगाई थी जिसे साफ नज़र आ रहा हुआ था, आ रहा था कि आईब्रोज को जो है फाउंडेशन से छुपाया गया है। और बालों की कटिंग का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने बालों की कटिंग बहुत अच्छी की है और बहुत ज़बरदस्त की है, लेकिन जब वो कल लाइव आई हैं तो उन्होंने बालों के साथ जो है जैसे बखेर नहीं लेते कुछ इस तरह का सीन कर लिया था, और कलर को तो आप किसी भी तरह कंट्रोल करके आप लोग अपने कलर को जो है ना वाइट से, आप लोग जो है ना अगर आपका अच्छा खासा कलर है तो उसको गंदम ही आराम से करते हो, ये कोई मुश्किल बड़ा काम नहीं है। तो उनके बालों की कटिंग बहुत अच्छी, उन्होंने छोटे कर लिए हैं, कटिंग बहुत अच्छी की हुई है, क्योंकि कल जब वो इंस्टा पर लाइव आई थी तो वो साफ सब कुछ फील हो रहा था। तो ये सारा ड्रामा जो है किया जा रहा है बिग बॉस वालों को, साहिबा तो बिग बॉस वालों से कॉन्टेंट करना चाहिए, कौन के जो है ना प्लीज़ इसको बुला लें, इससे आकर ये वहाँ पर आकर बहुत अच्छे करेक्टर्स करेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये सारे ड्रामे के समझ भी आ गई होगी, स्ट्राइक क्यों आई, किस वजह से आई, वो भी जो है मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।